कंटेंट तो बहुत सारा है, बट आप लोगों ने बोल दिया भाई लाइफस्टाइल ब्लॉग डालो, तो इतना खुश हूँ क्योंकि मेरे को लाइफस्टाइल ब्लॉग ही डालने। और भाई ये देख सकते हो स्काई, तो इसके लिए मैं दुखी हूँ थोड़ा, क्योंकि इतने दिन से मैं बाहर था और आज फिर से बाहर जा रहा हूँ, और इसको मेरे पास सोने की आदत है तो अभी भी मेरे पास ही बैठा था। एनीवेज अभी मैं जा रहा हूँ लैपटॉप लेके, एंड लेट्स सी काम हो पाता है। एंड भाई पूरा मैंने बैग लगा लिया है, निकल रहा हूँ पावर बैंक। और ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ मेरे को आपको दिखानी है एक्चुअल में क्या चीज़ है और ये कितने रुपये बचाएगी। एंड अर्नव से पूछ के बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या है, तो चलते हैं भाई। गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, 2021 आने वाला है सिर्फ 4 या 5 दिन बाद। आपके पास कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी हो तो भाई आप कार 24 पे जाके उसे बेच सकते हो। कार 24 पे अपनी गाड़ी बेचना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप ऑफिस इंस्पेक्शन भी करा सकते हो, होम इंस्पेक्शन भी करा सकते हो। ऑफिस इंस्पेक्शन टोटली फ्री है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और फटाफट अपनी जो गाड़ी है भाई उसे बेच सकते हो। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक करो। मर्जी है आपकी, आपको होम इंस्पेक्शन करानी है, ऑफिस इंस्पेक्शन करानी है, तो बिना इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। जाने से पहले एक बार घुमाना पड़ेगा। और ये खड़ी अपनी खाली, तो यूजुअली ये आगे खड़ी हो जाती है बट आज ये पीछे खड़ी कर रखी है क्योंकि गाड़ी तो बाहर ही है अपनी। एंड दिखा दूं बाहर, अब नहीं दिखा सकता क्योंकि भाई अलॉय व्हील की वीडियो जो है कल आएगी। एनीवेज भाई अभी इनको घुमा देते हैं एक बार। और ये देखो गुंडे साहब बैग लेकर, कितना इसमें कितना रोकड़ा है? 2 लाख भाई, थोड़ा बड़ा अमाउंट तो बोलती मेरी। एक बार कोल्ड स्टार्ट भी कर देते हैं गाड़ी को, है ना, जरूरी है। स्काई उधर चलो, पीछे पीछे चलो। तो भाई ये अगर आपने इनकेस ये सब वीडियोस ना देखी हो जिसमें पॉम्पॉम बजता है अनलॉक करती, तो वो भी जाके देख लेना भाई, क्योंकि आपके भाई ने सारी की सारी जो वीडियोस हैं वो डाल रखी हैं। ठीक है, तो अभी जो है एक बार कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ, और आप भी मेक श्योर कि सर्दियों में तो भाई अपनी गाड़ी को कर ही लो कोल्ड स्टार्ट, है ना। तो लगा दी चाबी, चलो भैया। अच्छा एक मिनट भाई जी, तो भैया जो है कोल्ड स्टार्ट कर दिए, ब्लू लाइट दिख रही होगी। और एक बार स्काई टैडी को मैं घुमा दूँ, और ये रखा अपना बैग जो खाली है। चीजी खा ले, ये ले ये ले योर रिवॉर्ड। बड़े सस्ते मान जाती। एनीवेज गाइस अभी जो है यहाँ से मैंने बताया ना एटीएस क्लियरेंस देती है, वैसे क्लियरेंस लेना पड़ता है कि नीचे कोई बैठा ना हो यार, एंड जरूरी भी है भाई। मैं तो गाड़ी में और वो बेचारे छोटे छोटे मेरी गाड़ी के नीचे आके है, कोई नीचे देखियो नहीं है ना। निकलते हैं और पहुंचता हूँ सीधे अर्नव के पास, वहां पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये रखा अपना सामान। हम लोग जो है निकल लिए हैं अभी, और अर्नव से आज मैं चीज बुलवाने वाला हूँ, एनीवेज ड्राइव कर रहा है भाई। तो अभी जो है बाद में मैं दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा क्या है। सबसे पहले तो हमें भाई केक कलेक्ट करना है, केक क्यों कलेक्ट करना है, यशु का बर्थडे है तो केक कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद थोड़ा बहुत खाने पीने का भी कलेक्ट करेंगे। तो गाइस अभी हम केक कलेक्ट करने जाते हैं। और कितने साल का हो गया अपना छोटू? उसकी पेमेंट होगी, एंड देखते हैं कौन सा कुछ जो है केक लिया है। और बाहर खड़ी है अपनी दरेक्स भाई, सर्दी बहुत ज्यादा है तो नेचर्स कॉल, यू नो खाली रास्ता है। एक चीज तो है भाई माननी पड़ेगी, मतलब घर के अंदर टॉयलेट करने का मजा अलग, एंड बाहर अलग। आई डोंट नो कि मैं इस चीज को ब्लॉग में डालूंगा या नहीं डालूंगा। एनीवेज कर लेते हैं। तो भाई केक आ गया है अपना, यहाँ पे दिख रहा होगा अर्नो कितनी देर वेट कर रहा था भाई। केक बना ही रहे थे क्या है? कौन बैठा पता? कौन काले टी शर्ट में? देख के अंदर खोलने के चक्कर में पेट्रोल वाला खोल रहा है भाई। अर्नो यार ऐसे मत करो, इतनी महंगी गाड़ी में बैठ के तुम ऐसे कर रहे हैं। और भाई देखो हमारे सामने बैठे क्लासमेट हो रहे किसके साथ बैठे है तो आगे हम लोग निकल लिए आगे। हमने मन्नू जी बुला लिए थे बीच में केक लेने के लिए क्योंकि हमें आगे जाना है अभी, तो मन्नू जी आए थे। कैसी लग रही मन्नू जी मोबिलियो पीछे करवा के? नई गाड़ी लेनी है बस अभी। कौन सी ले रहे हो? एनीवेज भाई हम लोग अब जो है निकल रहे हैं। और तो गाइस हम लोग जा रहे हैं भाई एक बार मॉल की तरफ, एंड मे बी आपको ये छोटा लगे व्लॉग उसके पीछे ये है कि भाई आज यक्षु का बर्थडे है एंड टोटली एंजॉय करना चाहता हूँ। सो आज भाई मेरे को थोड़ा सा माफ़ करिएगा, ड्रोन ये रहा एनीवेज अपना। एंड अभी हम लोग एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे लाइट मिल जाए, एंड आपसे कुछ बहुत ज़्यादा दिल की बात करनी है, तो दिल की बात भी करूँगा एंड अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा मेरे को किस चीज़ की अनबॉक्सिंग करनी है। एंड ये चीज़ मंगवाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, वो आपको सारा का सारा पता चल जाएगा। एंड कोई नहीं भाई, धोखे होते रहते हैं लाइफ में, वो भी दिख जाएगा। तो आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे को ये चीज़ YouTube पे बतानी पड़ेगी या किसी के सामने लानी पड़ेगी, पर वही बात है ना कि इंसान अपनी ठोकरों से खा के सीखता है। सबसे पहली चीज़ बोलना चाहूँगा, दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज़ बन गई है दोस्ती। आप किसी को कितना भी प्यार दो, कितना भी सिखाओ, कितना भी कुछ बोलो, आखिरी में अपना वो रंग दिखाई जाता है।
और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। हुआ क्या था वो मैं नहीं बता सकता, बस समझदार को इशारा काफी है एंड इस चीज़ में समझदार समझ जाएंगे। दूसरी चीज़ बोलना चाहूँगा, रिश्ता रखना है तो दिल से रखो, वरना दिमाग मेरे पास भी है। आज तक सिर्फ दिल यूज़ करा था, अब जब दिमाग यूज़ करने पे आ गया तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और जब दोस्ती इतनी अच्छी थी तो सोचो दुश्मनी कितनी अच्छी होगी। हमेशा अपना दोस्त माना, छोटा भाई माना, सजेशन दिए, बड़ा करा, और उसके बाद भी अगर प्यार में वार करा तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा, मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। बड़ी टुच लगेंगी, बड़ी मीन लगेंगी ये बातें, पर कब तक दिल में रखता, एक ना एक दिन बतानी तो ज़रूरी थी। रिश्ता रखना है तो रखो भाई, दिल से रखो, दिमाग से मत रखो कभी भी। सारे राज ना बताएं अपने दोस्तों को, क्योंकि जनाब दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। कई बार हम जिनको अपने राज बता देते हैं वो आगे जाके किसी और के सामने खोल देते हैं, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ सिर्फ कंटेंट में भी हुआ। मैंने किसी को अपना बड़ा भाई बोल के, किसी को अपना बड़ा भाई समझ के कुछ चीज़ें बताई, और वो चीज़ें ऐसी निकली कि मेरी रोज़ी रोटी यानी कि मेरे YouTube कंटेंट पे ही लात मारी गई। बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, पर किसी के पास कला है ना, उसे नहीं छीन सकते आप। अगर आज मैं किसी चीज़ में नीचे हुआ हूँ, आज अगर आपने मेरा कंटेंट चुराया है, आज आपने मेरे से पहले थोड़ी जल्दी चीज़ कर ली, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं रुक चुका हूँ। इतना ही बोलना चाहूँगा, आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई कुछ हो, उसको अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा अहमियत, इतनी ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए कि कल को वो आपके सर पे ही चढ़ के नाचे। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वापस बोल रहा हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी है। जो मेरे साथ करा छोटे, वो किसी और के साथ मत करना। जो मेरे साथ करा छोटे, वो किसी और के साथ मत करना। तो गाइस अपना ड्रोन यहाँ पे रखा है, अपने शॉट्स देखे होंगे जो मेरे दिल की बात थी मैंने बता दी, एंड यहाँ पे आपको कैमरे में दिख रहा होगा, अगर मैं इसके ड्रोन के कैमरे में दिखाऊं तो ये देख सकते हो, और मैं दिखाऊं तो मैं पूरा यहाँ पे एज इट इज रहा हूँ। एनीवेज भाई अर्नव के पास जो चीज़ है भाई, एक बार अनबॉक्स कर उसे, अनपैक कर लो। हाँ वही बात है, अनपैक कर लीजिए। क्या हो सकते हैं पहले ये बता दो एक बार, तो खुद बता सोच के क्या हो सकते हैं। फेंडर पे कुछ लाने गए थे। एग्जैक्टली तो भाई ये जो चीजें मैंने फेंडर के लिए मंगवाई है, और अरुणा तेरे को पता है मैंने फेंडर ऑर्डर कर रखे थे, पता नहीं भाई कर तो रखे थे, फिर हो गया कुछ सीन चुगली उगली कर दी लोगों ने सारा, फिर हमने कहा छोड़ो भाई तुम जी लो, जलते हैं जलने दो, तुम अपनी जलता है मजनू। एनीवेज भाई ये क्या लगेंगे, फेंडर पे लगेंगे, और क्या अभी मेरा प्लान है वो मैं आपको हर्ष व्लॉग्स वाले चैनल पे बताऊंगा। इधर मैं आपको दिखा दूं भाई, IIM के हैं बेसिकली दो, सो गाइस BMW की जो M सीरीज आती है उसके हैं बेसिकली ये, एंड ये मैं लगाऊंगा वो आपको पता चल जाएगा। ब्लॉग थोड़ा शॉर्ट है, शॉर्ट इसलिए है बिकॉज आज जो है भाई यक्षु का बर्थडे है, तो भाई को पहले हैप्पी बर्थडे सारे कमेंट सेक्शन में विश कर दो, एंड भाई को हैप्पी बर्थडे विश कर दो। और नहीं भाई वो फेंको मत वहाँ पे, देखो नहीं देखो भाई ये चीज़ नोटिस होती है, एंड भाई ये अपने वहाँ का वो। एनीवेज को बर्थडे हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए। कितने साल का होगा भाई? ये लग रहा है 23 साल का, ये 23 साल का लग। एनीवेज भाई ये थे अपनी जो चीज़ है, ये आपको हर्ष व्लॉग्स वाले चैनल पे देखने को मिलेगी, मेक श्योर उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और मेरे को एक छोटा सा ब्लॉग बनाना था, आज बड़ा नहीं हो पाया, मोस्टली 13 से 14 मिनट के होते हैं, बट आज ये छोटा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई का बर्थडे है, एंड आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल दैट। अगर मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करते रहूँगा तो ये मेरे को ऐसे बोलता है भाई मत ब्लॉग रिकॉर्ड करा करो, उसको ये भी बोलना है कि हर्ष भाई को रिकॉर्ड करने दो। एनीवेज भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ पसंद आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिए, मिलते हैं अगले, बाय, धन्यवाद, बाय कर दो भाई, बाय 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 बाय।